नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमी नेटवर्क में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एटोमी का रजिस्ट्रेशन कैसे करें 1 अक्टूबर के बाद। 1 अक्टूबर से पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में से एक आईडी वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो रहा था ऑफिशियली। तो अभी एटोमी ने 1 अक्टूबर के बाद जो नई आईडी रजिस्ट्रेशन होगी उसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों अपलोड करना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोग कहीं पैन कार्ड से आईडी लगा रहे थे और फिर सेकंड आईडी आधार कार्ड से लगा रहे थे, तो एक व्यक्ति दो दो आईडी लगा रहा था, तो वो यहाँ पे एज पर लीगल गाइडलाइंस गलत है। तो उससे बचने के लिए आप सभी को एटोमी में एक ही आईडी लगानी पड़ेगी और आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है atomy.kr, ठीक है, इस पे आपको लॉगिन करना है। और एटोमी में सिर्फ एक ही आईडी वैलिड है, दो आईडी वैलिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे लॉगिन करोगे तो इस तरह का पेज आपके पास खुलेगा कोरियन लैंग्वेज में, और जो ये वेबसाइट है ये कोरिया की वेबसाइट है, अभी इंडिया की वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन पिछले 2 साल से हो रहे हैं वो कोरिया की वेबसाइट में हो रहे हैं। ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है, रेड मार्क में आप देख रहे हैं, जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस विंडो में आप को रजिस्ट्रेशन करना है, राइट साइड पे आप इस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी कंट्री जहाँ पे एटोमी का नेटवर्क है और एटोमी ऑफिशियली जहाँ पे लॉन्च हो चुकी है सबकी वेबसाइट पे आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यूएसए इंग्लिश इस वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है यूएसए की वेबसाइट पे, और इसमें कोरियन लैंग्वेज में आपको प्रोडक्ट्स वगैरह का प्राइस वगैरह मालूम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो यूएसए की साइट आप यूज़ कर सकते हैं, यहीं से आप जा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए राइट साइड में जो देख रहे हैं 20 ईयर्स एंड ओल्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एटोमी की टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज आपके पास ओपन होगा। तो पॉइंट नंबर 4 पे आप जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मेंबर आईडी पर पर्सन, एक आदमी एक ही आईडी लगा सकता है, यहाँ पे दो आईडी आप नहीं लगा सकते जो कि इनवैलिड है, ठीक है। और नेक्स्ट, मैरिड कपल आर अलाउड ओनली 1 आईडी, ठीक है, मैरिड कपल जो हैं वो एक ही आईडी लगाएंगे। और राइट साइड पर अगर पे क्लिक करोगे तो ये विंडो नेक्स्ट ओपन हो जाएगी यहाँ पे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेशनलिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम यानी कि सरनेम, जैसे राम कुमार, राम फर्स्ट में कुमार राइट में, मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है आपको नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो आप देख रहे हैं वो पैन कार्ड नंबर जो आपका है उसका यहाँ पे नंबर डालना है और आधार कार्ड का नंबर नीचे वाले बॉक्स में डालना है, ठीक है। पैन कार्ड के सामने पैन कार्ड और आधार कार्ड के सामने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये ईयर है और ये मंथ है, ईयर सेलेक्ट करना है और मंथ और नीचे डेट, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, यहाँ पे निकनेम की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कंपलसरी नहीं है निकनेम डालना, ठीक है ना। तो पासवर्ड डालना है और रिपीट पासवर्ड डालना है आपको, अगेन सेम पासवर्ड। और उसके बाद गेस्ट पासवर्ड में आप कोई भी डिजिट 4 से 16 अंकों का कुछ भी आप डाल सकते हैं गेस्ट पासवर्ड, वो आपको याद रहना चाहिए। और फ़ोन नंबर आपको सेल फ़ोन नंबर वाले में डालना है, ठीक है। और नीचे जो जिप पोस्टल कोड है ये पिन कोड डालना है आपको अपना, और एड्रेस विद एड्रेस डालना है 2 जो कॉलम है उनमें, और नीचे ईमेल आईडी @gmail.com, @yahoo.com, @rediffmail.com, तो @ आपको लिखना नहीं है, @ सेंटर में है, ठीक है। और राइट साइड में आई एग्री पे क्लिक करना है और कंफर्म करना है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें भरनी है, ठीक है। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया फर्स्ट टाइम डालना है, लास्ट टाइम, मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर पासवर्ड, फिर सेम पासवर्ड रिपीट, फिर गेस्ट पासवर्ड, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर सेल फोन नंबर वाले कॉलम में 4 4 और 2 डिजिट में, ठीक है। फिर पिन कोड, फिर एड्रेस विद पिन कोड, और आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे नई विंडो ओपन हो जाएगी तो ये आईडी आपको कहाँ प्लेस करनी है, उस आईडी का नंबर यहाँ पे डालना है, स्पॉन्सर आईडी नंबर, ठीक है। तो स्पॉन्सर आईडी नंबर आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद उसको कन्फर्म करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो नीचे नेम ऑफ स्पॉन्सर वो सेंटर में एक विंडो खुलेगी, उसमें कंफर्म करोगे तो एक नेम ऑफ स्पॉन्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे नेम ऑफ स्पॉन्सर है, जो भी आईडी नंबर यहाँ पे आप डालोगे जिसके नीचे आपको आईडी प्लेस करनी है, सो आईडी का नंबर, जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे छोटी सी विंडो सेंटर में खुलेगी, उसमें आपको कंफर्म करना है कि आईडी नंबर और नेम्स ठीक है कि नहीं। जैसे वो क्लिक करोगे तो इस तरह से नेम ऑफ स्पॉन्सर सेंटर में आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपको कंफर्म करने पर ये आपकी डिटेल्स आपको चेक करनी है सारी चीज़ें, कि आपने जो डिटेल्स फिलअप की यहाँ पे वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो आपको डन
डन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन हो करके आ जाएगी कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इस तरह से आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन हो करके आ जाएगी। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आईडी नंबर होगा, राइट में बिल्कुल पासवर्ड होगा और नीचे भी आपका होगा। तो आईडी वेरिफिकेशन पे जाना है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है आईडी वेरिफिकेशन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो जैसे आप आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो इस तरह की ओपन हो जाएगी आपके लैपटॉप या मोबाइल में। तो यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना है, जो नई आईडी रजिस्ट्रेशन हुई है वो, ठीक है, और उसके नीचे पासवर्ड डालना है, ठीक है। सेम जो आईडी आपने अभी रजिस्ट्रेशन की है उसका यूजर आईडी नंबर ऊपर और पासवर्ड नीचे, और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है गो टू आईडी वेरिफिकेशन पेज, जो नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लेफ्ट साइड में दिया गया है, इन पिक्चर ऑफ पैन, पिक्चर ऑफ आधार कार्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। ऊपर वाले जो चूज फाइल दिख रहा है, ठीक है, अपलोड पिक्चर, इसमें जो पढ़ लेना आप, चूज फाइल पे क्लिक करना है। पहले वाले में आपको पैन कार्ड डालना है, दूसरे वाले में आधार कार्ड डालना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है, पैन कार्ड भी और आधार कार्ड भी। और यहाँ पे आपको 15 से 20 सेकंड वेट करना है, ठीक है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड और आधार कार्ड वो यहाँ पे पूरी तरह से अपलोड हो जाए, ठीक है। 20 सेकंड के बाद आपको नीचे क्लिक करना है गेट वेरीफाई के ऊपर नीचे, ठीक है। तो अभी 15 से 20 सेकंड हो जाएंगे, उसके बाद हम नीचे क्लिक करेंगे गेट वेरीफाई, ताकि जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सबमिट किया है पैन और आधार, वो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड हो जाए। और गेट वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो आपका है वो सबमिट हो चुका है, और इस तरह से आपके पास मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, योर वेरीफिकेशन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सबमिटेड, इट विल टेक 2-3 वर्किंग डेज फॉर वेरीफिकेशन, और ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे सेम ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टीम वॉरियर से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे जो ऑल ओवर इंडिया के जो स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं उनके नंबर दिए गए हैं, तो आप हमारे लीडर्स के साथ जुड़ करके उस स्टेट में आप हेल्प ले सकते हैं।